लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही जिला प्रशासन ने गतिविधियों को बढ़ा दिया है। जिलाधिकारी कार्यालय के संगम सभागार में जिलाधिकारी नवनीत चहल ने प्रेस वार्ता के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि मतदान व मतगणना को पारदर्शिता से कराने के लिए पूरे जिले को 47 जोन और 378 सेक्टरों में बांट दिया गया है। आयोग के निर्देश के बाद जिले में ऐसे वोटर चिन्हित कर लिए गए हैं जिन्हें पोस्टल बैलेट का अवसर दिया जाएगा। जिले में 26,478 दिव्यांग वोटर हैं, जबकि 31,149 मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है। डीएम ने बताया कि सभी को फॉर्म 12 DBLO के माध्यम से दिया जाएगा। उनकी इच्छा के अनुसार वे पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। सी विजिल ऐप व NGSP पोर्टल पर लोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिले में राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में ARO की तैनाती कर दी गई है। देखिए, इलेक्शन के कार्यक्रम के घोषित होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है और डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी विभिन्न टीम्स हैं वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू कराने के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं 24 घंटे 48 घंटे और 72 घंटे में जो जो आवश्यक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने के लिए कार्रवाइयाँ की जानी हैं उसको करने के लिए हमारी सभी टीम्स लग गई हैं। डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना चाहूँगा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में जो इलेक्शन है उसके लिए निर्वाचन की अधिसूचना का दिनांक 29 अप्रैल है। हमारे नाम निर्देशन दाखिल दिनांक 6 मई है। जो स्क्रूटनी की डेट है वो 7 मई डिसाइड हुई है और नाम वापसी के लिए अंतिम दिनांक 9 मई निर्धारित हुआ है। मतदान का दिनांक 25 मई निर्धारित किया गया है और मतगणना हमारी 4 जून को होगी। कुल मिलाकर लगभग 46,064,519 वोटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में और 64,519 वोटर्स हैं और कुल 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 2 पूरी कंप्लीट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और एक आंशिक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। जो 2 कंप्लीट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वो फूलपुर और इलाहाबाद हैं, जिसके फूलपुर के रिटर्निंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज हैं और इलाहाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के रिटर्निंग ऑफिसर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। भदोही आंशिक जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हमारी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज लगती हैं। डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर 4712 पोलिंग स्टेशन हैं और कुल मिलाकर 2241 मतदान केंद्र हैं। इन सभी पर पोलिंग पार्टीज जो हैं वो 4 विभिन्न डिस्पैच सेंटर्स से रवाना होंगी और मतदान कराने के बाद वापसी उनकी मुंडेरा मंडी में होगी, वहीं पर ही मतगणना का भी कार्यक्रम किया जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लगाने के लिए और इलेक्शन को फेयर एंड फ्री तरीके से करने के लिए विभिन्न टीम्स का भी गठन किया गया है। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं, इसमें हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम, स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स, वीडियो व्यूइंग टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स, हमारी व्यय प्रेक्षक इत्यादि, ये सभी इन सभी की नियुक्ति और इनका गठन कर लिया गया है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। सर, जो दिव्यांग वोटर्स हैं इनके लिए क्या इंतजाम किए हैं, गाइडलाइन क्या? देखिए, हमारे जो दिव्यांग मतदाता हैं या 85 वर्ष से ऊपर की आयु के जो मतदाता हैं उनको एक अतिरिक्त सुविधा विकल्प के रूप में दी गई है। यदि वो चाहें तो अपने पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं और यदि वो पोलिंग बूथ पर आकर वोट देते हैं तो वहाँ पर भी हर प्रकार की सुविधा, व्हील चेयर इत्यादि और एक सुविधाजनक माहौल में उनको वोट करने का अवसर जो है वो भी प्रदान किया जाएगा। थैंक यू।